नजर आ रहा है यहाँ पर। और जी गरम गरम पूरी हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। पूरी नहीं, गोलगप्पे हैं, मजेदार से परफेक्ट गोल। इतना बड़ा गोलगप्पा मैंने बनाया है, काफी ज्यादा बड़ा है गोलगप्पा। ये देखें कि पूरी मेरी हथेली पे आया हुआ है, इतना बड़ा मैंने गोलगप्पा बनाया है। और अच्छा खासी फूला हुआ है देखें माशाल्लाह, और क्रिस्पी तो बे इंतहा है। आवाज सुने क्रिस्पी किस कदर, मजेदार से गोलगप्पा हमारा खट्टी मीठी चटनी के साथ मजेदार सा। अब अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू वायरल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स और माय स्वीट स्वीट फैमिली। आप लोग सब मेरी फैमिली हैं और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी हर एक बात, हर एक चीज़। तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो रहा था, तो बच्चों का मूड था कि बस जल्दी जल्दी गोल गप्पे बना लें मम्मा। तो मैंने सोचा, मैंने तो कभी बनाए नहीं हैं, मैंने अपने बड़े वाले बेटे से बोला बेटा सूजी ले आए और हम देखते हैं किस तरह से बनते हैं। तो बाकी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी थी बनाने के लिए, जैसे पानी, चटनी और ये सारी चीज़ें। ये तो बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि मौसम अगर अच्छा होता है ना इंसान का और बाहर का, तो हर चीज़ ही इंसान अचीव कर लेता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही गोल गप्पे यहाँ पर बनाए हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और आप लोगों ने जैसे कि देखा कितने खूबसूरत बने, इतने बड़े बड़े गोलगप्पे बनाए हैं। अच्छा बड़े क्यों बनाए वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी यहाँ पर। और अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। मौसम देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है और बारिश है, तो 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही हैं। तो कुछ दिल चाह रहा था खट्टा 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 और गोलगप्पे जैसा खाने का, तो गोलगप्पे की शॉप्स तो रात में ही खुलती हैं यहाँ पर, तो मैंने खुद कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना भी लिए। और यहाँ पर देखें बाहर से भी ज़्यादा टेस्टफुल लग रहे हैं यहाँ पर। और मैंने इमली की चटनी, खट्टा पानी, हरी धनिए पुदीने की चटनी भी बनाई है, और उसके साथ देखें कितनी सारी मेरी चीज़ें बनाई, इतनी तो बाहर भी नहीं मिलती। और पानी देखें, बारिश देखें अभी भी हो रही है। तो बस चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को पसंद नहीं है गोलगप्पा, शायद ही कोई ऐसा हो जैसे पसंद ना हो, तो वो स्किप कर सकता है। वैसे ही रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट है ये मैंने। अच्छा ये मैंने हरफन मौला जागीर थी इंडियन ब्लॉगर, उनसे मैंने ये रेसिपी सीखी है और आप लोगों तक ये पहुंचाई है। परफेक्ट रेसिपी थी, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने सिखाया, बहुत ही सिंपल वे में, और इतनी लग्जेरियस तो उन्होंने बनाई भी नहीं। आप लोग ज़रूर जाइएगा और उनके चैनल को देखिएगा, और उनका तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी रेसिपी हमसे शेयर की। बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही सिंपल सिटी के साथ कर रही हैं। तो यहाँ पर मैंने सूजी लिए 125 ग्राम्स लिए, यानी कि आधा पाव सूजी लिए है। इसमें 4 से 3 टेबल स्पून मैंने नीम गरम इसके ऑयल के ऐड किए हैं इसके अंदर, और बस डाल के, और सॉल्ट भी डाला है, पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। गर्म इतना था कि मुझसे ऐसे आराम से मिक्स नहीं हो रहा था, मैं डर डर कर ही इसको मिक्स कर रही थी। तो शुरू में तो आप सोचेंगे इसका आटा बनेगा कैसे, इतना यानी कि ये बिखरने वाली चीज़ है कि आप सोच नहीं सकते कि आप इसके गोलगप्पे बनाएंगे। तो फिर नीम गर्म पानी से हमने इसको गूंदा है, बिल्कुल टाइट सा डो बनाना है हमें, और बिल्कुल बारीक वाली सूजी लेनी है हमने, फिर भी वो नहीं जुड़ेगी आपस में। लेकिन जब आप नीम गर्म पानी इसमें शामिल करेंगे ना, तो वो जुड़ती जाएगी जुड़ती जाएगी। जैसे एक पेड़ा वगैरह बनाते हैं हम लोग आटा गूंदने के लिए, या फिर मुट्ठियाँ बनाते हैं तो वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है, बस इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि सूजी फूलेगी ना तो इसके अंदर सॉफ्टपन आता जाएगा और ये आटे की शक्ल लेता जाएगा। अच्छा शुरू में तो आप घबरा जाएंगे कि इसके गोलगप्पे कैसे बनेंगे, तो आपस में ही नहीं जुड़ रहा। तो यहाँ पर देखें मैंने आटा अच्छे से बना लिया इसका, और एक अच्छा सा डो इसका रेडी हो गया है। और बहुत हार्ड भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना, मतलब सॉफ्ट भी नहीं रखना, हमें थोड़ा सा ठीक ही रखना है, जैसे हम कचौरी वगैरह का रखते हैं पूरी का, बस इस तरह से रखना है। तो बस स्टार्ट कर देते हैं, गर्म ऑयल में डालेंगे। फर्स्ट मिस्टेक मेरी यहाँ पर ये थी कि मैंने ठंडे ऑयल में ज़्यादा डीम गर्म था तेल, उसके अंदर मैंने ये डालना स्टार्ट कर दिए थे। ये फर्स्ट मिस्टेक मेरी ये थी जिसकी वजह से इतने अच्छे गोलगप्पे बने नहीं, और मैंने छोटे छोटे बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी और इतनी देर में इतने से गोलगप्पे बने थे, तो मैं तो भाई परेशान हो गई थी किस तरह से ये इतने सारे मैं बना पाऊँगी। तो सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि डालकर मैंने छोड़ दिया, वो पापड़ी बन गया, ये इस तरह से देख रहे हैं। बाद में मैंने स्पून से टच किया तो वो ज़ाहिर है वो कड़क हो गया था,
था तो फिर कहाँ से फूलना था, तो वो इस तरह से फूला ही नहीं। अब देखें ये मैंने डाला और मैं इसको नीचे की तरफ पुश कर रही हूँ, कितना अच्छा निकल कर आया, जबकि दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट हुआ हुआ है। तो इसको ये मिस्टेक इसमें नहीं करनी है, आपने बिल्कुल डाला और फौरन ही आपने इसको पुश नीचे की तरफ किया तो वो एकदम फूल कर ऊपर आएगा और आपका परफेक्ट गोल गप्पा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये कितना अच्छा परफेक्ट हुआ है गोलगप्पा। तो अब देखें ये ट्रिक्स, यहाँ पर मैंने डाला और डालते ही मैंने पुश किया है नीचे और वो एकदम उभर के ऊपर आ गया। तो ये परफेक्ट गोलगप्पे की निशानी है कि आपने इस तरह से बनाना है कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी, आपको वो नहीं करना कि डालकर गोलगप्पा और बस बाद में पुश कर रहे हैं स्पून उठाकर, नहीं आपने डालना है और फटाफट से आपने नीचे पुश करना है तो एकदम वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम इमली की चटनी बना रहे हैं जो इमली और खजूर के साथ बना रहे हैं यहाँ पर, और गुड़ शामिल किया इमली के पेस्ट के अंदर मैंने, और कुटी हुई मिर्च, सॉल्ट और ये खजूर का पेस्ट है, यानी कि मैंने खजूरों का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, 2 से 3 टेबल स्पून भर भर के मैंने ये ऐड कर दिया। आपके पास नहीं है तो मत डालिएगा और डायरेक्ट ही बना लीजिएगा, वैसे भी बहुत मज़े की बनती है। तो मेरे घर तलबीना वगैरह मैं आजकल बना रही हूँ तो मेरे पास पेस्ट था इसका ऑलरेडी, तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा हम ज़ीरा भून कर भी डाल देंगे अपनी खजूर की मीठी चटनी में इमली की। और यहाँ पर मैं हरी चटनी बना रही हूँ धनिया पुदीने की और हरी मिर्च लहसुन की, जो कि हम पानी में शामिल नहीं करेंगे, हम इसको सेपरेट ही रखेंगे क्योंकि बच्चे फिर वो एतराज़ करते हैं कि मम्मा आपने ये क्यों डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि बच्चों को भी साथ खाना है। पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया यहाँ पर और इसको हटा देते हैं, इमली का पानी आ गया। और यहाँ पर मैंने लिया है ये अजवाइन का पाउडर है, दरदरा है कुटा हुआ, देखें आप इसमें है, और ये ज़ीरा पाउडर है, ये चाट मसाला है, काला नमक, वाइट नमक, और ये अदरक पाउडर है जिसे सौंठ पाउडर भी कहा जाता है, और ये सौंफ का है, बिल्कुल सौंफ का पाउडर थोड़ा कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और मैंने अदरक पाउडर शान का यूज़ किया है यहाँ पर, सही है, ये ले लिया मैंने, इसमें अभी भी है अच्छा खासी, बस ये एक मरतबा लिया है, आपका काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे सौंफ का पाउडर, मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, तमाम मसालों को मैं इस पानी में शामिल कर दूँ और इसको अच्छा, ये डाल सा पानी हमारा खट्टा खट्टा, और चाहे तो इसमें ठंडा पानी भी डालना है क्योंकि ठंडे पानी के होते हैं ना, ये मज़ेदार सा हमारा ये पानी तैयार है। और ये मैं, अगर आप हरा धनिया पुदीने की चटनी नहीं शामिल करना चाहते तो वो मत ऐड कीजिएगा, ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है, और मैंने तो सिर्फ अपने लिए की है, बच्चों के लिए नहीं की है। इसका कलर रखेंगे ना तो आप काला हो जाएगा, और हैंड टू हैंड ही कीजिएगा। मैंने ये यहाँ पर इसको अच्छा सा पेस्ट बनाकर रख दिया, थोड़ी सी मैंने पिसी हुई मिर्च शामिल की है अच्छे टेस्ट के लिए, ना इसमें निकाल रही हूँ मैं, जूस नहीं है बेटा, ये गोलगप्पों का पानी है, ठीक है, आपको पसंद आएगा, आप पीते हो ना, बस ज़्यादा नहीं पीना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हैं, कौन सा वाला, शोर नहीं बिल्कुल सही है जी। अब ये सबकी हो गई, ये हाशिर की प्लेट है ना हाशिर, ये पानी भी गया, एक सेकंड हाशिर तो पीने ही नहीं दे रहा, हाशिर तो बस पीने ही नहीं दे रहा। ये मैंने हाशू की गोलगप्पे की प्लेट बनाई है मज़ेदार सी ना, हाँ ये हाशू की है, हाशिर गोलगप्पे, हाशिर आपको गोलगप्पे कितने सारे चाहिए, इधर। यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाशिर को दिए थे, वो इसलिए कि हाशिर ज़्यादा शोर करते हैं तो उन्हीं को मैंने दे दिए थे, और हाशिर ने अपनी पसंद से गोलगप्पे उठाए थे, तो शुक्र है उन्होंने फ्लैट उठाए थे बिल्कुल, क्योंकि वो फूले हुए उठाते हैं ना तो उनसे खाए नहीं जाते। तो अब देखिएगा वो चाय पापे की तरह डिप करके खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने उनको समझाया अभी है यहाँ पर कि इस तरह से नहीं खाना हाशिर, क्योंकि हाशिर ही हैं जो मेरी किसी भी रेसिपी को रिव्यू देते हैं कि किस तरह से बना है, तो मैं हाशिर के ही पीछे पड़ जाती हूँ और हाशिर गुस्सा होते रहते हैं। अच्छा ये भी सब अच्छा है, अच्छा अब बता वो मैं खोल दूंगी, ये चाय पापे की तरह क्यों खा रहे हो, चाय पापे की तरह आराम से, आशु कैसा बना हाशिर मुझे बताइए तो कैसा बना है गोलगप्पा आपका। अच्छा,
ये मेरे मास्टर शेफ के जज हैं, सबसे छोटे तो मैं इनसे ही पूछती हूँ। कैसा बना गोलगप्पा आपका? आशु कैसा बना? अच्छा बना। ये थम्स अप दिखा रहे हो आप तो बात ही नहीं कर रहे हो मुझसे। मजा माशाल्लाह। और ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल सारे ही फूले हों, नहीं एक आध तो हमारा ये रह गया है। अच्छा मैंने कुछ छोटे छोटे बनाए हैं, कुछ छोटे छोटे बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं, मगर माशाल्लाह सारे ही बहुत अच्छे बने हैं। यहाँ पर देखें, और पहले मैं डर रही थी शायद होल है इसकी वजह से ये फूल नहीं रहे शुरू वाले मेरे, लेकिन वो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं थोड़े मोटे ही थिक रख रही थी। आपको बिल्कुल फाइन सब बारीक बनाना है और फिर ये इस तरह से फूले फूले। और ये देखिए मेरे हाथ के माशाल्लाह बराबर। मैंने आशिर से बोला, आशिर अगर आपको गोलगप्पे खाने हैं ना तो कैमरे में देखकर आपको बताना पड़ेगा मुझे कि ये कैसे बने ना, मैं आपकी प्लेट ले लूँगी। आशिर ने फौरन बता दिया अच्छे बने हैं ना मम्मा। इसमें कितने हैं देखें, इतने मज़ेदार से गोलगप्पे हमारे रेडी हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमारी गोलगप्पा पार्टी चल रही है माशाल्लाह ज़बरदस्ती है। ये हरी चटनी तो दिखाओ, यहाँ मज़ेदार सी हरी चटनी। गोलगप्पा पार्टी चल रही है। आशिर कैसी लग रही है आपको पार्टी?